जय शनिदेव। अगर आपकी राशि मकर राशि है तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं स्वामी राजर्षि शनि पीठ मंदिर से आज आप सभी के सामने एक विशेष प्रोग्राम लेकर आया हूं, जहां हम चर्चा करेंगे कि जब बुद्ध देवता 24 अगस्त से लेकर 16 सितंबर तक सिंह राशि में वक्री होंगे तो इसका क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा, क्योंकि पहले से ही शनि ग्रह वक्री चल रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे शुक्र देवता भी वक्री चल रहे हैं, जो कि 4 सितंबर को मार्गी होंगे, परंतु उन्हीं के साथ देव गुरु बृहस्पति भी 4 सितंबर से पुनः वक्री होने जा रहे हैं। यानी एक साथ तीन ग्रहों के वक्री होने का प्रभाव आपके ऊपर पड़ने वाला है। विशेष तौर पर इस वीडियो में बात करूंगा कि बुध देवता आपके जीवन में क्या बड़ा परिवर्तन लेकर आने वाले हैं। पहले ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि आपकी राशि मकर राशि है। मैं आपको मकर राशि की कुछ विशेषताएं बताना चाहता हूं, और अगर ये आपके ऊपर सटीक बैठ रही हैं तो आपकी राशि भी मकर राशि। पर मेरी बात आपको क्यों सुननी चाहिए? पहले से ही YouTube पर आपने कई सारे वीडियोस ऐसे देखे होंगे जहां पर इस राशि परिवर्तन की चर्चा की गई है। तो इस पर मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं स्वामी राजर्षि जो शनि पीठ मंदिर से है, आपके लिए जो विश्लेषण लेकर आता हूं, ये मेरे अनुभव और प्रैक्टिकल रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस पर आधारित है। देखिए, ये जो शनि पीठ मंदिर है, ये हमारे गुरु रजनीश ऋषि जी ने 33 वर्षों पहले स्थापित किया था, और दिन प्रतिदिन हमारे साथ हजारों भक्त 133 देशों से जुड़ते हैं, जिस कारण जो हमें अनुभव मिलता है, लोगों के साथ जो प्रैक्टिकल हम कर कर देखते हैं, वही आपके साथ इस राशिफल के प्रोग्राम में शेयर करते हैं। इसलिए मेरा राशिफल ज्यादा सटीक बैठता है। बाकी लोगों का नहीं कह सकता, परंतु हमारा जो अनुभव है वो ना केवल ज्योतिष के उन सूत्रों पर आधारित है जो कि हजारों वर्षों पूर्व गढ़े गए थे, बल्कि जो हम रोज नया सीख रहे हैं, आप जैसे भक्तगणों से बात करके जो रोज नई नई लर्निंग आ रही है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अब एग्जिस्ट करती हैं, पहले कभी नहीं करती थी। जैसे कि इंटरनेट हो गया, मोबाइल फोन हो गया, सोशल मीडिया हो गया, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो लास्ट 10 वर्षों में ही आई हैं। ये जो चर्चा है, इन चीजों की जो चर्चा है, वो हजारों हजारों वर्ष पूर्व उन सूत्रों में कैसे की जा सकती थी? नहीं संभव था। तो हमें अपनी जो ज्योतिष की लर्निंग है उसको मोल्ड करना पड़ता है आज के अनुभवों के आधार पर, और ये तभी संभव है जब हमें रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस हों। तो हमारे जो जनता दरबार, जो हम हर शनिवार को लगाते हैं, वहां आप जैसे कई सारे भक्त अपनी अनेकों अनेक समस्याएं लेकर आते हैं, और वहां हम उन्हें वैदिक ज्योतिष के ऐसे ऐसे उपाय बताते हैं जिन्होंने उनके जीवन को परिवर्तित कर दिया है। अगर आप भी हमारे जनता दरबार में शामिल होना चाहते हैं तो इस शनिवार को ये जनता दरबार लगेगा, जिसके लिए आप स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पुनः अपने टॉपिक पर अब वापस लौटना चाहता हूं। यहां पर चर्चा करना चाहता हूं कि बुध देवता, जो कि 24 अगस्त से 16 सितंबर तक वक्री होने जा रहे हैं सिंह राशि के अंदर, उनका क्या प्रभाव मकर राशि पर पड़ेगा। चलिए बात करते हैं अब हम मकर राशि के जातकों के बारे में। पर पहले यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि आपकी राशि मकर राशि है। तो अगर आपके जन्म समय पर आपके माता पिता ने आपका नाम जे अक्षर से रखा था, या ख अक्षर से रखा था, या गा या गी इन अक्षरों से रखा था, तो आपकी राशि मकर राशि है। पर अधिकतर केसेस में हमने ये पाया है कि लोगों को ये पता ही नहीं होता कि उनकी जन्म राशि क्या है, उनको कंफ्यूजन रहता है। तो उस केस में मैं आपको मकर राशि की कुछ विशेषताएं बताना चाहता हूं, और अगर ये आपके ऊपर सटीक बैठ रही हैं तो आपकी राशि भी मकर राशि। तो देखिए, मकर राशि के जो जातक होते हैं वो बहुत ही प्रयत्नशील होते हैं, अपने जीवन में बहुत मेहनत करते हैं।
किसी भी विपदा में, किसी भी कार्य में वो कभी भी पीछे नहीं रहते, उनकी मेहनत का कोई सहानी नहीं है, आप कभी भी मेहनत करना नहीं छोड़ते हैं। इसके साथ साथ आप जब भी किसी काम को करने का ठानते हैं तो उसको पूरा करके ही दिखाते हैं। आप कभी भी लक्ष्य तक पहुंचने से पूर्व अपने एफर्ट्स में 1% कमी नहीं आने देते हैं, 100% से भी ज्यादा एफर्ट, जितनी आपकी शक्ति है उससे ज्यादा हमेशा आपके एफर्ट्स रहते हैं किसी भी कार्य को कंप्लीट करने में। परंतु एक जो मकर राशि के जातकों के अंदर एक जो विशेषता देखी गई है वो ये है कि वो बहुत ही रिजर्व्ड और कॉशियस होते हैं। वो निरंतर ये सोचते रहते हैं कि ये कार्य कभी भी असफल हो सकता है, तो मुझे दूसरा क्या करना चाहिए, दूसरी दिशा क्या पकड़नी चाहिए। तो मकर राशि के जो जातक हैं वो कभी कभी आपको थोड़े से नेगेटिव प्रतीत हो सकते हैं। तो अगर ये सारी विशेषताएं आपके अंदर है तो आप भी मकर राशि के जातक हैं। तुरंत हम चर्चा करने जा रहे हैं कि जब बुध वक्री होंगे तो मकर राशि के जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसके लिए पहले कुंडली को देख लेते हैं। तो कुंडली अब आपके सामने स्क्रीन पर आ चुकी है। जो भी ग्रह लाल रंग के दिखाई दे रहे हैं वो सभी के सभी बुध देवता के शत्रु हैं। बुध देवता अष्टम में इस समय पर सूर्य देवता के साथ गोचर कर रहे हैं। अब इसमें एक जो विशेष शत्रु की मैं बात करना चाहता हूं वो है शनि, क्योंकि शनि मकर राशि के जातकों के स्वामी हैं। मकर राशि के वो लग्न देवता हैं, वो कंट्रोलर हैं, मीन देवता हैं, नवग्रह देवताओं में शनि देव मकर राशि के जातकों के लिए, और वो यहां पर बुध देवता के शत्रु हैं। यानी कि इनकी जो एनर्जीज है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, जो एक परेशानी का सबब बन सकता है। इसके साथ साथ बृहस्पति और राहु जो चतुर्थ भाव के अंदर इस समय पर गोचर कर रहे हैं वो भी बुध देवता के शत्रु हैं, और दोनों ही पंचम दृष्टि से इस समय पर बुध देवता को देख रहे हैं। एक और जो विशेष बात नोट करने वाली है वो ये है कि बुध देवता यहां पर मकर राशि के जातकों के लिए उनके भाग्य स्वामी है। तो इस बात को जरा नोट कीजिएगा, क्योंकि सारा फलादेश इसी बात पर निर्भर करता है। तो बुध देवता जब वक्री होंगे तो इसका ये प्रभाव आपको देखना पड़ेगा कि भाग्य आपका एकदम से साथ ही ऐसा लगेगा छोड़ दिया है। भाग्य बिल्कुल आपके पक्ष में नहीं है इस समय पर। कोई भी डिसीजन अगर आप लक के बेसिस पर लेते हैं, लॉटरी सट्टा इत्यादि में आप अपना पैसा लगाते हैं, यहां तक कि शेयर मार्केट में भी आपको नुकसान होने की संभावना दिखाई दे रही है। सभी मकर राशि के जातकों को इन चीजों से इस समय पर परहेज करने की आवश्यकता है, विशेष तौर पर जब तक बुध ग्रह वक्री है। इसके साथ साथ ससुराल पक्ष में कोई बुरी सूचना वहां से प्राप्त हो सकती है, या ससुराल पक्ष का कोई व्यक्ति आपको नुकसान पहुंचा सकता है, आपके विपरीत जा सकता है, आपके खिलाफ कोई साजिश कर सकता है, जिससे सतर्क रहने की, सावधान रहने की बहुत ज्यादा आवश्यकता सभी मकर राशि वाले जातकों को है। परंतु सूर्य यहां अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, सिंह राशि के अंदर गोचर कर रहे हैं, तो एक जो विशेष फायदा यहां पर मकर राशि के जातकों को हो सकता है कि जो भी लोग डिफेंस सेक्टर में काम करते हैं या सीक्रेट सर्विसेज में काम करते हैं या यहां पर कम्युनिकेशन के विभाग में काम करते हैं, पोस्ट ऑफिस वगैरह में काम करते हैं, उनको इस समय पर सरकार की ओर से कोई शुभ सूचना प्राप्त हो सकती है। और अगर आप इन विभागों में भर्ती चाहते हैं तो ये अप्लाई करने का बहुत अच्छा समय साबित हो सकता है। एक जो विशेष यहां पे योग बन रहा है उसकी भी मैं चर्चा करना चाहूंगा मकर राशि के जातकों के लिए, वो है विपरीत राजयोग, क्योंकि बुध उनके छठे भाव के स्वामी हैं और वो एक और दुस्थान भाव यानी कि अष्टम भाव के अंदर इस समय पे गोचर कर रहे हैं। इसकी वजह से मुझे ये दिखाई दे रहा है कि कुछ पहले एक बड़ा सा लॉस होगा, वो किसी भी
क्षेत्र में हो सकता है, परंतु उसके बाद आपको उसमें कामयाबी मिल जाएगी। और क्योंकि मकर राशि का जो जातक है वो निरंतर प्रयास करता है, वो हमेशा लग्न के साथ, मेहनत के साथ कोशिश करता रहता है, इसलिए मुझे विश्वास है कि आप इस छोटे से लॉस से घबराएंगे नहीं, उल्टा अपने प्रयासों को और बढ़ा देंगे और कामयाबी आपको जरूर मिलेगी। हो सकता है वो कामयाबी 16 सितंबर के बाद मिले, पर मिलेगी जरूर। फिर भी अगर मेरे मकर राशि के जो भाई बंधु हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो अपने जीवन में परेशान हैं, चाहे कोई भी परेशानी हो, मैं एक विशेष जनता दरबार आपके लिए लगा रहा हूं इसी शनिवार को, जिसमें शामिल होने के लिए आपको स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर मुझसे संपर्क करना है। और इस जनता दरबार में व्हाट्सएप वीडियो कॉल के माध्यम से मैं आपको ऐसे उपाय दूंगा जिससे निश्चित रूप से आपको फायदा जरूर होगा, लाभ जरूर होगा, आपके सभी जो कार्य हैं वो पुनः तेज गति से चल पड़ेंगे। अगर भाग्य साथ नहीं देता है तो विशेष तौर पर इस जनता दरबार में जरूर शामिल होइएगा। मेरे पास आपके लिए ऐसे ऐसे उपाय हैं जिनसे बहुत बड़े बदलाव बहुत कम समय में देखे जा सकते हैं, और हम प्रैक्टिकल पे विश्वास रखते हैं। हमारे जो उपाय होते हैं एकदम प्रैक्टिकल होते हैं, ऐसे अनाप शनाप उपाय नहीं देते कि जो आप कर ही ना सके, सुनते ही आपको लगे कि बाबा ये कैसे संभव होगा, गुरुजी ये कैसे हम ये कर पाएंगे। हमारे उपाय एकदम प्रैक्टिकल होते हैं, हमारे उपाय एकदम सरल होते हैं, जो कोई भी जातक जो कि एक गृहस्थ जीवन में है, कोई भी सामान्य जातक इन उपायों को बहुत सरलता से कर सकता है। इसके अलावा अगर आप अन्य राशियों पर बुध देवता के वक्री होने का प्रभाव जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, या फिर इस वीडियो को भी आप देख लीजिए, यहां पर बाकी राशियों की मैंने चर्चा की हुई है। जय शनि।